ऑल राइट, तो आज का डेट और ये टाइम बिल्कुल हमने कैप्चर कर लिया नूर, क्योंकि आज आपका पहला फुल इंडिपेंडेंट रोल ओवर आपने कर लिया एंड वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। नूर को हमने बैक में लिटाया था और नूर ने अपने आप ये पोजीशन स्टमक वाला ले लिया रोल ओवर करके, और वो रोल ओवर ही नहीं बटके पूरा घूम भी रही है, राइट नूर? सो नाइस, एंड शी इज वेरी हैप्पी ऑल्सो वाइल शी इज डूइंग इट, गुड जॉब। नूर, मैं आपको ना पूरा उल्टा बैक पे दोबारा लिटाऊंगा, देखेंगे इस बार कैमरा में कैप्चर कर पाते कि नहीं कर पाते। हाँ बाबा। ओके गाइस, रेडी? नूर, आपको रोल ओवर करना है, ठीक है? आप मुझे मत देखते रहो बस। हाँ, हमें पता है आप बहुत इंडिपेंडेंटली कर रहे हो, यू आर डूइंग इट वेरी नाइसली, बट मैं अभी जा रहा हूँ, आपको दूर से देखूंगा, ठीक है बाबा? कर लिया रोल ओवर, गुड जॉब नूर, गुड जॉब बाबा। मैं वेट ही कर रहा था कि आप कब रोल ओवर करोगे। वेरी नाइस, आप अपना एनर्जी गेन किया और उसके बाद रोल ओवर कर लिया, डैडी भी रोल ओवर कर रहे हैं आपके साथ, गुड जॉब नूर, गुड जॉब स्वीट हार्ट। एंड शी इज फुल ऑन क्रॉलिंग नाउ। हाँ, मानो वो क्रॉल करने के लिए रेडी हो रही है यार। ओ माय गॉड नूर, गुड जॉब सोना बाबा, यस। ओ माय गॉड, छोड़ दो उसे, ची इसको मत खाओ। तो जब मैं पास बैठ रहा हूँ, नूर नहीं कर रही है रोल ओवर, बट जैसे ही मैं जा रहा हूँ वो रोल ओवर कर रही है इजीली। मानो उसका रोल ओवर इतना इजी हो गया उसे करना, शी इज डूइंग इट जस्ट लाइक दैट, अपने विश से कर रही है वो अब रोल ओवर। सो गाइज, हमारे कोलकाता ट्रिप में 4 months एंड 1 week पे नूर ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हिट कर लिया है, और वो है रोल ओवर करना एंड थोड़ी क्रॉलिंग स्टार्ट करना। वो टमी से बैक पे रोल ओवर कर रही है और बैक से टमी पे रोल ओवर कर रही है, और जब वो अपने टमी पे होती है तो वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और काफ़ी ज़्यादा मूव भी कर पा रही है, विच इज़ अ बिग बिग माइलस्टोन। मैं और सौरभ ये डिस्कस कर रहे थे कि कबीर के साथ ऐसा नहीं हुआ था, ये चीज़ हमने लेट देखी थी, और उसका एक मेजर रीज़न है कि हम नूर को ज़्यादा टमी टाइम देते हैं और ज़्यादा टाइम फ्लैट सरफेस पे, यानी हम नीचे कारपेट पे ही उसको बिछा के वहाँ पे टाइम देते हैं, जिससे कि जो मसल्स होते हैं उनको ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। तो ये आप लोगों के लिए भी है, कंसिडरिंग आपके बच्चे होंगे तो ये टिप आपके लिए वर्क करेगा। अब एक और टिप की बात करते हैं जो कि स्किन रिलेटेड है। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने नोटिस किया कि नूर के टाइम पे मेरी जो नेक है यहाँ पे काफ़ी पिगमेंटेशन हो गया। आप अभी भी देख सकते हो कि ये गया नहीं है, ये पार्ट काफ़ी डार्क हो गया है, और मुझे सबने बोला कि प्रेगनेंसी के बाद चला जाएगा। इनफैक्ट मैंने एक स्किन स्पेशलिस्ट को भी दिखाया, मैंने अपनी काफ़ी फ्रेंड्स को और प्रेग्नेंट मॉम्स को भी ये होते हुए देखा है, तो इट वॉज़ नॉट न्यू फॉर मी। हाउएवर ये नहीं गया, सो आई डिसाइडेड कि मैं स्पेसिफिक सॉल्यूशन यूज़ करके देखती हूँ टू ट्रीट दिस प्रॉब्लम, और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ द डर्माकोका 2% कोजिक एसिड फेस क्रीम, ऑल्सो द डर्माकोका 2% कोजिक एसिड फेस सिरम। अब कोजिक एसिड क्या होता है, ये एक रिनाउंड इन्ग्रीडियंट है वेन इट कम्स टू ट्रीटिंग पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, ब्लेमिशेस, ये डिसकलरेशन जो हो जाता है ये उसको ट्रीट करता है। इसको आप फेस और नेक के लिए यूज़ कर सकते हो। तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया, उससे मुझे पता चला कि स्पेसिफिकली ये इंग्रेडिएंट यूज़ करने से इस तरीके की प्रॉब्लम्स कम हो सकती हैं। तो मैंने ये दोनों ही चीज़ें ले ली हैं। आइडली इसको यूज़ करने का तरीका है कि ये जो फेस क्रीम है, आपने अपने फेस को वॉश किया, उसके बाद आप फेस क्रीम फेस और नेक पे लगाओ, दिन में 2 बार करो फॉर बेटर रिजल्ट्स, और फेस सिरम जो है वो आप रात को लगा के सो, तो उससे भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। फेस सिरम भी सेम है, फेस वॉश किया, 3 से 5 ड्रॉप्स लिए, स्किन पे लगाया, एंड यूर डन, आप सो गए और स्किन जो है वो रिपेयर हो जाती है। सो ये मैं यूज़ कर रही हूँ, रिजल्ट्स आपसे जल्दी शेयर करूंगी। अगर आपके पास और भी कोई रेमेडीज़ हो, कोई होम रेमेडीज़ हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बट द डर्माको के जो प्रोडक्ट्स हैं ये स्पेसिफिकली प्रॉब्लम स्किन के लिए बनाए गए हैं। इनका पूरा एजेंडा ही है कि आपको नो फिल्टर स्किन मिल सके, आपको अपनी पिक्चर्स या वीडियोस एडिट ना करने पड़े, आप नेचुरली अपनी स्किन में कॉन्फिडेंट फील कर सके। तो आप इनके प्रोडक्ट्स को चेकआउट करना, आपकी स्किन में जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आपको वहां डेफिनेटली स्पेसिफिक सॉल्यूशन बेस्ड प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ये उनकी वेबसाइट है, ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां पे चेक कर लीजिएगा। और जब आप ये प्रोडक्ट्स उनकी वेबसाइट से लेते हैं तो आपको एडिशनल 20% डिस्काउंट मिल सकता है यूजिंग माय कूपन कोड MOMCOM2022। तो आप वहां जाके इसे जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, पैच टेस्ट जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी कि हर प्रोडक्ट हर किसी को सूट करे। एंड अनदर बिग टिप इज दैट ये प्रोडक्ट लगाने के बाद सनस्क्रीन जरूर लगाइएगा इफ यू आर यूजिंग इट इन द डे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई रियली होप मेरा ये सारा डिस्कलरेशन चला जाए,
बिकॉज मैंने बहुत सलोन विजिट कर लिया, बहुत कुछ कर लिया और ये नहीं किया. सो आई एम प्रीटी श्योर दैट कोजिक एसिड इज गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम. गुड मॉर्निंग नूर. गुड मॉर्निंग. हाँ जी, सो हैप्पी यू आर. क्यों हैप्पी हो इतना? बहुत मजा आ रहा है आपको. आप तो बहुत बड़े हो गए हो वेकेशन लेके, है ना? रोल ओवर भी कर रहे हो, टॉकी भी कर रहे हो, कितनी मस्ती कर रहे हो. ये कौन है, आपका फ्रेंड है? देखो स्क्वीज करो. लो टेक इट टेक इट टेक इट टेक इट. नूर ये देखो. आप स्क्वीज करो, आप स्क्वीज करो इसे. रेडी, वन टू. कितनी स्वीट है मेरा बाबा. इसको लो, ये लो. कितना मजा आ रहा है आपको, कितना मजा आ रहा है. हाँ यस, ओले बाबा. Noor is so happy early in the morning. She is having such an amazing time. कितना laugh कर रही है Noor. मेरा बच्चा. और Noor की तो मतलब vacation में आके बिल्कुल आवाज निकल गई है. पलटी मार लिया तुमने? हाँ बड़े हो गए हो, अपने आप पलटी कर रहे हो. अभी क्रॉल भी करोगे? I'm sure तुम्हें कारपेट पे या फ्लोर पे रख देंगे, तुम क्रॉल भी करोगे. इतनी जल्दी बड़े मत हो भाई. आ जाओ आ जाओ आ जाओ. कम 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 कम. यस, टेक द येलो डॉल्फिन. लो लो. वेरी गुड नूर, वेरी गुड. आपको फ्लोर पे रख दें क्या? आपको क्रॉल करना है, बट फ्लोर जो है गंदा है नूर, आपको रख नहीं सकते हम. हाँ, एक तो नूर है जिसको यहाँ पे अब रोल ओवर करना आ गया है, तो वो सिर्फ हमेशा ऐसे ही बैठ रही है. अगर उसको नॉर्मल भी लिटाओ तो भी रोल ओवर कर रही है. और कभी ने यहाँ पे ट्रेडिशनल सीटिंग में अपना ब्रेकफास्ट अरेंज कराया, जो नीचे से ऐसे बैठते हैं चौकड़ी मार के, और वो नमक खा रहा है. कबीर, नमक कोई खाता है ऐसे बाबा? और मानसी आज अपने ट्रेडिशनल, क्योंकि उसको वापस जाना है, तो बिल्कुल जनकपुरी स्टाइल में डोसा सांभर खा रही है. जनकपुरी स्टाइल. दिल्ली दिल्ली स्टाइल. सो गाइस, नूर के साथ बैठ के अब खाना खाना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है, बिकॉज लुक एट हर रिएक्शन. मतलब सौरभ खा ही नहीं पा रहे हैं. शी इज लाइक एवरीथिंग शी वांट्स. ये देखो. मुंह खोल रही है, मतलब शी इज लाइक एक्साइटेड कि मुझे दे दो बस. डैडी ने खा लिया. सो आई थिंक द मोमेंट शी स्टार्ट्स सिपिंग. I'll come back again. Say bye. Bye hotel. Say bye. I love you pool. Love you pool. He's going to miss the pool so much. Yeah, I hope society mein pool khul gaya ho. Pata nahi with the new variant ka news, I think fir se sabke jo aspirations hai wo dabne wala hai, kyunki ek hope tha ki society mein pool khulne wala hai. Haan. But I don't think so. Okay guys, so our vacation comes to an end and we are sitting in the car with all our luggage and I have a sad Kabir, partially sad Kabir with me. He is partially happy, partially sad, and I think I have a complete sad Manu because she is loving the vacation. Yahan pe khana peena Manu ne kam se kam 3-4 kilo to chadha hi liya hoga. Zyada ho sakta hai, ja ke check karenge. But theek hai, matlab we had an... अच्छा, कबीर इज आल्सो सैड गाइस, बट लाइक ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड, सो डिड अ गुड वेकेशन. ये हमने एक साल के बाद वेकेशन लिया था. वी अकम्प्लिश्ड नूर्स राइस ईटिंग सेरेमनी और आई थिंक अनदर कुछ वीक्स में नूर का, एंड वी अकम्प्लिश्ड वेरी गुड फैमिली टाइम. सो वी आर गोइंग बैक विद वेरी हैप्पी मेमोरीज. फैमिली टाइम वाज अमेजिंग. आई थिंक द हॉस्पिटैलिटी इन कलकत्ता वाज अमेजिंग. लोग बहुत अच्छे थे, खाना बहुत अच्छा था. होटल में जहाँ पे रुके वहाँ पे बहुत मजा आया. लास्ट तक तो मैं सबको बोल रहा था कि पता है मैंने यहाँ पे काम किया, पता है मैंने यहाँ पे काम किया. अब सबको पता है. तो बस यही है. उसके बाद आप लोगों से वापस मिलते हैं नोएडा में इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और हमारी लाइफ के साथ. थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए. थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार करने के लिए. और सी ऑन द अदर साइड इन नोएडा. For a pass out, I'm too lonely to be done on my trick at this pace.
और गाइस तो हम बच्चों को सेटल करते हैं बट हम लोग वापस आ गए हैं नोएडा सेफ। हमारी फ्लाइट भी बहुत अच्छी थी, हम लोग टाइम पे पहुंच गए और नूर जो है वो अपना ग्रोथ स्पर्ट जो है वो कंटिन्यू कर रही है। उसने आके यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो करी है वो है पलटी मारना और अब वो क्रॉल करने की कोशिश कर रही है बेड पे। कम ऑन नूर, आ जाओ मेरे पास।